स्वास्थ्य लिए सब लेकर हमारे साथ अभी है घर के लेकर में है। इन्होंने सपना देखा कि मैं सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जहाँ जगजीवन बाबू जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में पूरा का पूरा किताब में उतार दिया, और किताब का जो शीर्षक रखा है संघर्षों का जीवन जगजीवन, संघर्षों का जीवन जगजीवन, इससे अच्छा कोई टॉपिक किताब का नहीं हो सकता था जो आपने ढूंढ करके निकाला है। जो साथी इसको पढ़ेंगे, जो इस किताब के पन्नों को पलटेंगे, वो देखेंगे जगजीवन बाबूजी का जीवन कहां से निकल करके कहां पहुंच गया। मैं ये कह सकता हूं जब से मैं जगजीवन बाबूजी को देख रहा हूं ऐसा ही देख रहा हूं जगजीवन बाबू जी को। और जो साथी उन्हें शुरुआत से देख रहे होंगे वो भी इस बात को कहते होंगे कि जगजीवन बाबू जी में कोई बदलाव नहीं आया है। जगजीवन बाबू जी नीता सिंह जी के साथ और तमाम और राजनीतिक साथियों के साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, बहुत लंबा जीवन उन्होंने गुजारा है, और जीवन के न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, राजनीति के उतार चढ़ाव देखे, न जाने कैसा बदलता हुआ समय देखा है, कभी अच्छा समय आया होगा कभी खराब समय आया होगा, न जाने कैसा कैसा समय देखा है इन्होंने, लेकिन बाबूजी वैसे ही के वैसे बाबूजी रह गए, इन्हें कोई ताकत का असर इनके ऊपर नहीं पड़ा। सरकारें आई चली गईं, सरकारें बनी और नहीं बनी, लेकिन जो वो पावर का नशा होता है कभी कभी जगजीवन बाबूजी के जीवन में कभी नहीं उतरा, और पार्टी नेताजी हम परिवार जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एक भरोसे के आदमी हमें मिले, इस पार्टी को एक भरोसे के आदमी मिले, और अगर दूसरी क्वालिटी भी हो वफादार वाली तो शायद आज के ज़माने में ऐसे लोग नहीं मिलते जिन पर भरोसा किया जा सके जो पूरे के पूरे 100% वफादार हों। हमें बचपन की तमाम चीज़ें याद हैं क्योंकि कभी कभी जो काम नेताजी को करना होता था वो जगजीवन बाबू जी करते थे, कभी हमें पैसे की ज़रूरत हुई होगी उन्होंने हाथ से नहीं गिने, अपनी पजामे की जेब में अंदर ही गिन करके दे दिए, जितने मांगे उतने दे दिए, और ये हुनर तो जगजीवन बाबू जी में ही है कि उन्हें पैसे नहीं बाहर निकालने पड़े, उन्हें पता है कि कितने पैसे की जरूरत है। तो सोचो एक परिवार की तरह नेताजी के साथ रहे, पार्टी के साथ रहे, और आज उनके ऊपर जो किताब लिखी जा रही है बहुत से पहलू लिखे गए होंगे, मैं समझता हूँ बहुत सारे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी, और कम से कम सादा जीवन ईमानदार रह करके जीवन जीने का मौका मिलेगा, इससे सीखने का मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ ही साथ उन्होंने जो किताब लिखी है सूरज आज चांद से हारा, वो तो कवि लोगों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और बिखरे बादल, ये बहुत अच्छी किताबें हैं। अब समय कम मिलेगा क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, लगता है 5 बजे कुछ ऐलान होने जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय पर जब कभी हम लोग पन्ने पलटेंगे कुछ न कुछ ऐसा इसमें मिलेगा जो हम अपने भाषणों में कह पाएंगे। ये सही बात है कि जब सूरज निकलता है तो सबकी हार हो जाती है, ये जितने भी रोशनी देने वाले टिमटिमाने वाले लोग हैं, और चांद को तो हार नहीं है क्योंकि
चांद पे अपनी रोशनी नहीं है। ये किताब सही लिखी है आपने, इनकी बहुत सी लाइनें हमारे भाषणों में काम आएंगी, इसलिए समय समय पर आप देखेंगे अगर कोई बात ऐसे लगी कि कोई ये नई बात मैंने कही तो हो सकता है इसी किताब की हो वो। इसलिए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी को बधाई देता हूँ, समय पर उन्होंने मुझे किताब का विमोचन करने का मौका दिया है। साथ ही साथ एक साथी आए, फरियाद किताब लिखी है, पूरा उनका संकलन है, तौशीफ शमशाद सिद्दीकी जी, जिन्होंने तमाम समस्याओं को लेकर के जो आवाज़ें उठाई हैं, जो लोगों को मदद की है, जो समय समय पर उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं ऐसे साथी का भी बधाई देता हूँ कि जब ऐसा काम होता है तभी लोग जुड़ते हैं, भावनात्मक जुड़ाव तभी होता है जब ऐसा काम उनके बीच में किया जाता है। मैं दोनों साथियों को बधाई देता हूँ, जो साहू समाज राठौर समाज के जितने भी साथी आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जगजीवन बाबू जी के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। जगजीवन बाबू जी का बहुत सादा जीवन रहा, उन्होंने जो अपनी मेहनत अपने सूझबूझ से कई समय पर ऐसे भी सहयोग किया है जिसके हम याद नहीं कर सकते इस मौके पर, लेकिन उससे पार्टी को बड़ा लाभ मिला है। मैं जगजीवन बाबू जी को बहुत बधाई देता हूँ उनकी किताब के लिए। हालांकि जब कभी हमें किस्से कहने का मौका मिलेगा जगजीवन बाबू जी का, वो अलग तरीके से किस्से कभी किसी और मौके पर कहे जाएंगे, लेकिन जगजीवन बाबू जी जैसा आदमी मिलना मुश्किल है जिसने इतना जीवन पार्टी को दे दिया हो, और इसीलिए एक छोटा सा सम्मान दे पाए सदन में पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। और कंपटीशन पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, अगर SRS जी पहुंच जाए सदन में तो जगजीवन बाबू जी क्यों ना जाएं। इसलिए जब SRS जी भी सदन में पहुंच गए तो हमारे जगजीवन बाबू जी भी सदन में पहुंच गए। इन्होंने जो काम किया है, जो संघर्ष जो मेहनत इस उम्र में भी कर रहे हैं, अपने समाज को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं जिससे पार्टी के संगठन और पार्टी को लाभ पहुंच रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो हम मिलेंगे माया यादव से, पाँच बजे सुनने में आ रहा है, आप ही के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है। और हम तो ये कहेंगे कि परिवर्तन का रुझान है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। हम ये चाहते थे कि और लोग रैली कर कर के थक जाएं तब हम लोग प्रचार करें। क्योंकि गठबंधन हुआ है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तारीख जब आ जाएंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, चरणों के हिसाब से कार्यक्रम भी तय कर लेंगे जिससे कि जनता में जाने का मौका मिले और जनता से अपील करने का मौका मिले, और जो जनता परेशान है उसे परिवर्तन का मौका मिले, वो हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें कही गई हैं नौकरी के सवाल को लेकर, सरकार को जवाब देना पड़ेगा अब जनता में कि आखिरकार कितना रोजगार कितनी नौकरी दी है आपने। अब सरकार को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि किसानों को कितना लाभकारी मूल्य उनकी फसलों को मिला है। सरकार को हर जवाब देना पड़ेगा कि महंगाई आखिरकार कैसे बढ़ गई, और 5 साल पुराना वादा याद दिलाया जाएगा कि किस तरीके से सरकार ने कहा था, सरकार में जो लोग आज शामिल हैं उन्होंने कहा था कि जनता हमें अगर मौका दे देगी तो दुनिया में जहां कहीं भी काला धन होगा वो भारत में आ जाएगा। ना काला धन आया, जो जनता ने कमाया था मेहनत से ईमानदारी से वो भी पैसा जमा करा लिया गया, और इतना भय का माहौल पैदा कर दिया कि जिन्हें पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़े गए, और तमाम लोग 40,000 से ज्यादा उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। हमें याद है वो दिन एयरपोर्ट पर जिस दिन हमें इलाहाबाद के छात्र संघ के छात्रों के कार्यक्रम के बीच जाना था, एयरपोर्ट पर पुलिस आकर के इसलिए रोक रही है क्योंकि आप छात्र संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं,
पूरा प्रशासन लगा दिया और एक फर्जी चिट्ठी लगा करके भेज दी एयरपोर्ट पर कि ये हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। लेकिन इसी देश से बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बैंकों को कंगाल कर दिया, बैंकों को खाली कर दिया, वो अच्छे से हवाई जहाज फर्स्ट क्लास में बैठ करके भारत छोड़ के चले गए और आज भी भारत में वापस नहीं आए हैं। इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर हम छात्र संघ में जा रहे हैं तो पुलिस हमें हवाई जहाज में नहीं चढ़ने दे रही है और आपने सबने देखा है। तो आखिरकार जिन्होंने बैंकों को ख़त्म कर दिया वो हवाई जहाज में बैठ करके कैसे चले गए, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता में देना पड़ेगा। और फिर समाजवादियों ने तो काम किया है, चुनाव में कम बोला था, इस चुनाव में ज्यादा काम बोलेगा, क्योंकि मेट्रो पे बैठने का जब मन करता है मुख्यमंत्री जी को और उनके सहयोगी साथियों को तो वो अपनी मेट्रो पे नहीं बैठते, समाजवादियों की बनाई हुई मेट्रो पे बैठ करके जाते हैं। और क्या हम तो जानते हैं साथियों, ये कैमरा किसी से झूठ नहीं बोलता, कैमरा झूठ नहीं बोलता। मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पाए कि ये मेट्रो उन्होंने बनवाई है, यही समाजवादियों की सबसे बड़ी जीत है। बहुत जल्दी सभी नाम आ जाएंगे, कौन कहां से लड़ेगा। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशी घोषित किए हैं, जल्दी और घोषित कर दिए जाएंगे लोगों से राय लेकर के, लोगों के सुझाव लेकर के। देखिए ये पहली बार हुआ है कि जहां पुलिस ही पकड़ी गई चोरी करते हुए, सोचो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। सरकार को तो जवाब देना चाहिए, पुलिस चोरी खुद कर रही है, चोर बन गई पुलिस। किसी प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा बताओ हमें, और पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को 21 जूते की सलामी दे रहा हो। हमें कोई एक जगह बता दो कि जहां पर 21 जूते की सलामी दी जा रही हो। देखिए जो हम गिन पाए, हमारी गिनती गड़बड़ है, हम गिनती दोबारा सीख लेंगे। हो सकता है 15 लाख की गणित, 15 लाख पे आपने कभी सवाल नहीं पूछा होगा, 2 करोड़ नौकरी पे कभी सवाल नहीं पूछा होगा, रफेल पे भी सवाल नहीं पूछा होगा। अरे हमारे 21 जूते की सलामी पे सवाल पूछ रहे हो आप। और अगर वहां पर लोग नहीं रोकते तो वो 21 जूतों की सलामी थी। सोचो। और उसके बाद प्रभारी मंत्रियों की हिम्मत नहीं है किसी जिले में चले जाएं। और अगर पूरे हिसाब किताब लगा लो, जूतों का पूरा हिसाब किताब लगा लीजिए आप, बताइए महाराजगंज में एक जनप्रतिनिधि को दौड़ाया गया था, नहीं दौड़ाया गया था। महाराजगंज में एक जनप्रतिनिधि को दौड़ा लिया था जनता ने जूते लेकर के, सुना है मैंने। और एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री जो बोलने वाले हैं, वो बोलने वाले मंत्री बताओ नंगे पैर नहीं गए थे क्या गाड़ी में बैठने। ये तो पता नहीं कैसी जूते वाली सरकार लग रही है मुझे। तो अब सोचिए चुनाव आ गया है, जनता तैयार है, परेशान जनता इनसे हिसाब किताब मांगेगी। बताओ व्यापारियों को कितना परेशान किया है, कितना अन्याय किया है व्यापारियों के साथ। अभी मैंने सुना भाषण, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बताइए हम मोबाइल बना रहे हैं, जनता क्या स्वीकार कर लेगी मोबाइल बना रहे हैं। आप मोबाइल को असेंबल कर रहे हैं, आपने देश को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया,
आपने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, और आपने सबसे ज्यादा सामान और इस तरह का माल अगर कहीं से मंगाया तो चीन से मंगा लिया। एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, सब चीन से सामान आकर के मोबाइल असेंबल हो रहे हैं। ये जनता को धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोग न दें।